हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका सेंसेस ऑफ मेडिकल साइंस में। देखो, हमने पिछली दो वीडियोस में बात की थी। एक वीडियो में बात की थी, ट्रोक्लियर नर्व का डायग्राम देखा था जिसमें मैंने ये वाला डायग्राम एक्सप्लेन किया था, और जो दूसरी वीडियो थी उसमें मैंने एब्ड्यूसेंट नर्व का जो डायग्राम था उसको एक्सप्लेन किया था। और मैंने बोला था कि आने वाली वीडियोज में उसके नोट्स की बात करेंगे। तो इस वीडियो में ट्रोक्लियर नर्व को और ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसके नोट्स को देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह से लिखना है, तो उस चीज को इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रोक्लियर नर्व के बारे में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले, जैसा मैंने ओक्यूलोमोटर नर्व में भी बताया था कि सबसे पहला पॉइंट जो हमें लिखना है वो है फंक्शनल कंपोनेंट। हमें ये पता है कि ट्रोक्लियर नर्व क्या है, फोर्थ क्रेनियल नर्व है, ठीक है, इतना तो हमको पता है। अब बात करें इसके फंक्शनल कंपोनेंट्स की। जो मैंने वीडियो बनाई थी क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई के ऊपर, आपको मिल जाएगी न्यूरो एनाटॉमी प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको फंक्शनल कंपोनेंट्स अच्छे से समझ आ जाएंगे। जितने भी क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस हैं सब मैंने वहां बताए हैं, ठीक है। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स में एक आता है जनरल सोमेटिक एफरेंट, जिसको हम बोलते हैं GSE, ठीक है, और एक आता है जनरल सोमेटिक एफरेंट GSA। तो जनरल सोमेटिक एफरेंट का मतलब क्या है? सोमेटिक मतलब स्केलेटल मसल को सप्लाई करेगा, एफरेंट मतलब मोटर सप्लाई दे रहा है, और किसको सप्लाई देता है? ये लेटरल मूवमेंट ऑफ आई बोल में हेल्प करता है। तो जनरल सोमेटिक एफरेंट कंपोनेंट जो है ट्रोक्लियर नर्व का, वो हेल्प करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ आई बोल में हेल्प करता है जनरल सोमेटिक एफरेंट वाला कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट है जनरल सोमेटिक एफरेंट। एफरेंट मतलब होता है सेंसरी कंपोनेंट, है सेंसेशन लेके जाएगा। तो ये क्या करता है? प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्स को लेके जाता है कौन सी मसल से? रेक्टस मसल से, लेटरल रेक्टस मसल से। किसके पास लेके जाता है? मेसेंसिफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व, वहां पे ये लेके जाता है प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सिस को। एक चीज याद रखना, ये फिफ्थ नर्व के मेसेंसिफेलिक न्यूक्लियस के पास लेके जाता है, ना कि ट्रोक्लियर नर्व के। ये बात ध्यान रखना, इस चीज में ये डिफरेंस है। अब बात करें न्यूक्लियस की, तो ट्रोक्लियर नर्व के न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? ट्रोक्लियर न्यूक्लियस। सिंपल सी बात है, जो ट्रोक्लियर न्यूक्लियस है वो कहाँ प्रेजेंट था? हमने बोला था फोर्थ क्रेनियल नर्व कहाँ प्रेजेंट होती है? मिड ब्रेन के अंदर। तो जो ट्रोक्लियर न्यूक्लियस होगा वो भी कहाँ प्रेजेंट होगा? मिड ब्रेन में। कहाँ पे? ग्रे मैटर के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, और सेल बॉडीज के कलेक्शन को न्यूक्लियस बोलते हैं, साथ ही साथ ग्रे मैटर में आता है सेल बॉडीज। तो ट्रोक्लियर न्यूक्लियस इज सिचुएटेड इन वेंटेरो मीडियल पार्ट ऑफ द सेंट्रल ग्रे मैटर ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में सेंट्रल जो ग्रे मैटर है उसके वेंटेरो मीडियल पार्ट में प्रेजेंट होता है ट्रोक्लियर न्यूक्लियस, एट द लेवल ऑफ इन्फीरियर कोलिकुलस। याद रखना, इससे पहले ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस की बात हुई थी ओक्यूलोमोटर नर्व में, तब मैंने बोला था कि वो कहाँ प्रेजेंट था? एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कोलिकुलस। लेकिन ट्रोक्लियर न्यूक्लियस कहाँ है? एट द लेवल ऑफ इन्फीरियर कोलिकुलस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है वो है इसका कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने पूरा ही डायग्राम समझा था। इसमें मैंने क्या बताया था कि ट्रोक्लियर नर्व के दोनों तरफ के न्यूक्लियस, एक राइट साइड का न्यूक्लियस, एक लेफ्ट साइड का न्यूक्लियस, ये मान लो राइट साइड का न्यूक्लियस है, लेफ्ट साइड का न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस से आगे की तरफ नहीं जाती नर्व, पीछे की तरफ जाती है। पीछे की तरफ नर्व जाना शुरू होती है, और जाते जाते आपस में इस तरह से क्रॉस करते हैं। इस क्रॉसिंग को क्या बोला था मैंने? डीकसेशन, ठीक है। तो दोनों तरफ के जो न्यूक्लियस थे वहां से नर्व निकली और पीछे की तरफ जा रही है डोर्सली, और क्रॉस करती है, उसे डीकसेशन बोला। और जब ये क्रॉस कर लेती है उसके बाद ये आगे की तरफ घूमती है, मतलब आगे की तरफ जाएगी, वेंट्रल एस्पेक्ट पे जाएगी। तो ये ट्रोक्लियर नर्व एक अकेली ऐसी नर्व है जो कहां से निकलती है? डोर्सल एस्पेक्ट से निकलती है। बाकी सारी नर्व वेंट्रली निकलती हैं हमारे ब्रेन स्टेम से, लेकिन ट्रोक्लियर नर्व डोर्सली निकलती है। हालांकि बाद में घूम के आगे की तरफ ही आ जाती है, लेकिन निकलती पीछे से है, ठीक है। तो कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सबसे पहले इंट्राक्रेनियल कोर्स की बात करेंगे। तो नर्व रन्स डोर्सली, डोर्सली मतलब पीछे की तरफ जा रही है, डोर्सली राउंड द सेंट्रल ग्रे मैटर टू रीच द अपर पार्ट ऑफ सुपीरियर एंड एंटीरियर मेडुलरी वेलम। जो हमारा सुपीरियर और एंटीरियर मेडुलरी वेलम है उसके अपर पार्ट तक ये जाती है, उसके अपर पार्ट तक पहुंचती है पीछे जाते जाते, और वहां पे जाके उस सुपीरियर या फिर जिसको हम एंटीरियर मेडुलरी वेलम बोलते हैं उस पॉइंट पे वो क्रॉस करती है दोनों तरफ की नर्व, ठीक है। एक राइट साइड की ट्रोक्लियर नर्व, एक लेफ्ट साइड की ट्रोक्लियर नर्व क्रॉस करती है पीछे जाके, उसे हम बोलते हैं डीकसेशन, ठीक है, विद ऑपोजिट नर्व टू इमर्ज ऑन द ऑपोजिट साइड। दोनों ऑपोजिट साइड में निकल आती है, मतलब ये मान लो न्यूक्लियस था, इस तरह से पीछे की तरफ जाएंगे और उसके घूम के आगे की तरफ आ जाती है इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट, उसके बाद हम देखें पीछे की तरफ तो हमने भेज दी। इट इज द ओनली क्रेनियल नर्व विच इमर्जेस ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, ये बात भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कि जो नर्व है अब पीछे से आगे की तरफ आ जाती है, पासिस राउंड द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, यहाँ पे होता है इस लेवल पे, और
जस्ट अबव द पोन्स, ठीक है, दो एक पेडंकल सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल है और एक सेरिबेलर पेडंकल है जस्ट अबव द पोन्स, उन दोनों सेरिबेलर पेडंकल के राउंड ये घूम के आगे की तरफ आ जाती है। उसके बाद वाला कोर्स क्या था, किस किस के बीच से पास करेगी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, तो इट पासिस बिटवीन पोस्टीरियर सेरिब्रल एंड सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरीज टू अपीयर वेंट्रली बिटवीन द, उसके बाद कहाँ जाती है, वेंट्रली आ जाती है, दोनों के बीच से पास करके वेंट्रली आ जाती है, किस किस के बीच में से, टेम्पोरल लोब और अपर पार्ट ऑफ पोन्स के बीच में से ये वेंट्रली आगे की तरफ निकल जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट इसको जाना है कैवर्नस साइनस में, तो कैवर्नस साइनस में कैसे एंट्री लेती है, ये रूफ जो है ना कैवर्नस साइनस की, उसके पोस्टीरियर कॉर्नर को पियर्स करते हुए कैवर्नस साइनस में घुसती है, रूफ के पोस्टीरियर कॉर्नर को। उसके बाद कहाँ जाना है इसको, हमें पता है कि हमारे जो ट्रोक्लियर नर्व है वो लेटरल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होती है कैवर्नस साइनस के, तो इसको लेटरली जाना होगा, सिंपल सी बात है। इट रन्स फॉरवर्ड्स इन द लेटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस बिटवीन द ओक्यूलोमोटर एंड ओप्थैल्मिक नर्व, मतलब इसके ऊपर ओक्यूलोमोटर नर्व होगी, नीचे ओप्थैल्मिक नर्व होगी, ये बीच में प्रेजेंट होगी ट्रोक्लियर नर्व और यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा कैवर्नस साइनस, तो कैवर्नस साइनस के लेटरल एस्पेक्ट में ये लाई करती है, ठीक है। इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ साइनस, अब ये क्या है, बाहर निकलना है कैवर्नस साइनस से, तो एंटीरियर पार्ट ऑफ साइनस में वो क्रॉस करती है ओक्यूलोमोटर नर्व के ऊपर से, जब ये बाहर निकलने वाली होती है ना एंटीरियर पार्ट ऑफ द कैवर्नस साइनस से, तो ये ओक्यूलोमोटर नर्व के ऊपर से चली जाती है, पहले तो नीचे थी ना, बाद में ऊपर चली जाती है, ठीक है। अब दो पॉइंट और रह गए कि ट्रोक्लियर नर्व जो है वो अब एंटर कहाँ करना है इसको, ट्रोक्लियर नर्व सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू एंटर करती है हमारे ऑर्बिट में, ठीक है, ऑर्बिट में क्यों एंटर कर रही है, क्योंकि इसको सुपीरियर ओब्लिक मसल को सप्लाई करना है, तो ट्रोक्लियर नर्व एंटर्स द ऑर्बिट थ्रू द लेटरल पार्ट ऑफ, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, लेटरल पार्ट ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के लेटरल पार्ट से ये एंटर करती है। देखो ओक्यूलोमोटर नर्व में मैंने आपको बताया था कि वो मीडियल पार्ट से एंटर कर रही थी, इसी तरह ये लेटरल पार्ट से करती है, और उसके बाद एब्ड्यूसेंस नर्व आएगा जो कि कहां से करेगी, बीच मिडल पार्ट ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से जाएगी वो, ठीक है, उसकी बात करेंगे इसके बाद। तो लेटरल पार्ट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से ट्रोक्लियर नर्व ऑर्बिट के अंदर एंटर कर जाती है। अब ऑर्बिट में जाने के बाद क्या करती है, वो लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियरिस मसल के ऊपर से जाती है और एंड करती है बाय सप्लाइंग द सुपीरियर ओब्लिक मसल, सुपीरियर ओब्लिक मसल को सप्लाई करना है इसको, आखिरी काम तो इसका यही है, ऑन इट्स ऑर्बिटल सरफेस, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली हमारे ट्रोक्लियर नर्व की, फिर से यहाँ पे इस डायग्राम से बताऊं, दोनों तरफ के न्यूक्लियस से नर्व निकली, पीछे की तरफ जा रही है, क्रॉस करती है मेडुलरी वेलम वाले लेवल पे, ठीक है, उसके बाद क्रॉस करने के बाद आगे की तरफ आ जाती है कि दो आर्टरीज के थ्रू पास के बीच में से पास करती है, फिर कैवर्नस साइनस के लेटरल एस्पेक्ट में जाती है, फिर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू ऑर्बिट में जाके सुपीरियर ओब्लिक मसल को सप्लाई करती है। तो इतना ही था हमारा ट्रोक्लियर नर्व का पाथवे, ठीक है, कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एब्डुसेंट नर्व के नोट्स के बारे में, और इस तरह से हम आगे उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अलग अलग नर्व्स को। थैंक यू।